एवरीवन, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स काइवल जी साइड स्वप्नाली हियर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने भी ये सिचुएशन फेस किया है। जस्ट लाइक आपको पता होगा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अभी बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल है। अगर आप कोई भी एक गॉगल सेल कर रहे हो प्लेटफॉर्म पे, या फिर कोई चश्मे है जो आप सेल कर रहे हो, अगर इसका प्राइस 250 रुपीज है, तो विदाउट एनी चार्जेस आपके अकाउंट में जो है, आपको 250 रुपीज में अगर आप लिस्ट किया है तो 250 रुपीज ही आपको मिलेंगे। ये टाइप से कंडीशन जो है अभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। बट काफी सारे सेलर ऐसे हैं जो कि अगर उनका प्रोडक्ट 250 रुपीज का है, तो उसके ऊपर उनको डिलीवरी चार्ज देना पड़ता है, बैंक सेटलमेंट देना पड़ता है, अदर प्लेटफॉर्म का जो चार्जेस है वो भी उसमें इंक्लूडिंग चला जाता है, और 250 रुपीज का जो प्रोडक्ट है उनको कट कुट होके जो उनके अकाउंट में बैलेंस आता है वो काफी हद तक कम है। तो ये केस में आप कैसे कर सकते हो कि विदाउट एनी सेटलमेंट या फिर विदाउट एनी कोई चार्जेस आपके अकाउंट में जितना आपको मनी चाहिए उतना ही आएगा, आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा या फिर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है प्लेटफॉर्म को, वही जो है आज के इस सेक्शन में मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि ये होता क्या है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट 250 रुपीज में लिस्ट किया है तो प्लेटफॉर्म क्या करती है, उसके ऊपर डिलीवरी चार्ज ऐड कर देती है, कुछ बैंक का चार्ज होता है वो ऐड करती है, कुछ सेटलमेंट चार्जेस होते हैं वो भी ऐड करती है। मतलब 250 रुपीज का आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को अराउंड 350 या फिर 370 380 के अराउंड चला जाता है। इसके कारण जो है आपका मार्जिन तो कम है बट कस्टमर को बहुत ज्यादा प्रोडक्ट कॉस्टली मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत ऑर्डर कम आते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेटलर ऐसी सेटलमेंट कर रहे हैं अभी कि उनका जो प्रोडक्ट 250 रुपीज में है वो कस्टमर को 250 रुपीज में ही मिल रहा है, जिसके कारण उनको मार्जिन उतना ही मिल रहा है बट कस्टमर को प्राइस कम होने के कारण जो है कस्टमर ज्यादातर प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं और बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं। इससे फायदा कस्टमर को भी हो रहा है, सेलर को भी हो रहा है और प्लेटफॉर्म को भी हो रहा है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको भी ऐसे टाइप से कुछ सेटलमेंट करनी है तो ये क्या प्रोसेस है, ये जस्ट यही है कि आपको जो है कस्टमर को जो है डायरेक्टली प्रोडक्ट सेंड करना है प्लेटफॉर्म के थ्रू। मतलब आपको एक सेटलमेंट करना पड़ता है प्लेटफॉर्म के साथ में कि आप जो है हमारे जितने भी हिडन चार्जेस होते हैं, डिलीवरी चार्ज हो गया, जीएसटी तो आपको नॉर्मल यूजुअली लगता ही है, बट जो अदर चार्जेस है जैसे कि बैंक सेटलमेंट कट करते हैं ये लोग और डिलीवरी चार्ज कट करते हैं, तो आपको उसका सेटलमेंट करना है डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के साथ में कि हम आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट दे रहे हैं और ये सभी जो चार्जेस है हमारे आपको रिमूव करना है। ये बस उन्हीं सेलर के लिए अलाउड है अभी के लिए जो सेलर के पास ट्रेडमार्क अवेलेबल है। अगर आपके पास ट्रेडमार्क अवेलेबल है या फिर आपके पास ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर है तो आप जो है डायरेक्टली प्लेटफॉर्म के साथ में सेटलमेंट करके जो बीच में के हिडन चार्जेस होते हैं वो रिमूव कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है ये भी मैं आपको आगे आने वाले प्रोसेस में बता रही हूँ, बट सबसे फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि ये आपको यूं ही फ्री में नहीं मिलेगा। आप तो कहोगे कि ठीक है चलो मेरे पास ट्रेडमार्क है तो मैं ये डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके जो है ये सभी चार्जेस रिमूव कर देता हूँ। प्लेटफॉर्म को भी कुछ आपको पे करना पड़ेगा तभी जो है आपको प्लेटफॉर्म ये अलाउनेस करता है। तो इसका प्रोसेस होता कैसे, अगर आपका मान लीजिए 1 मंथ में विदाउट एनी हिडन चार्ज पूरा सेल 5 लाख का हुआ, तो प्लेटफॉर्म जो है आपसे 5 लाख के सेल के ऊपर 5% हो गया, 10% हो गया, अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग चार्जेस होता है, उतना चार्जेस जो है वो आपसे लेती है कि आपका सेल अगर ना हो रहा है तो आपको उसके ऊपर 10% देना पड़ेगा, 5% देना पड़ेगा, 8% देना पड़ेगा। सो उसके अकॉर्डिंग जो है आप चाहे तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करने के ये जो प्रोग्राम होता है या फिर ये जो इनका सिस्टम है इसमें आप जो है सेटलमेंट कर सकते हो। इसके लिए आपको बस क्या करना है, अगर आपके पास कोई मैनेजर वगैरह है तो आपको उनसे कनेक्ट करना है और जो भी बातें मैंने अभी आपको समझाई है बताई है आपको जस्ट उनको बताना है तो वो समझ जाएंगे और आपका सेटलमेंट जो है वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ में करके देते हैं। अगर आप इनसे नहीं हो रहा है, अगर आपका कोई मैनेजर नहीं है, तो डोंट वरी, आप जो है कोई अकाउंट मैनेजर ऑफर भी मत कीजिए कि उनका फिर से अकाउंट मैनेजर ले लोगे जस्ट ओनली फॉर सेटलमेंट, तो ये बिल्कुल भी वेस्ट हो जाए, मनी हो जाएगा। अकाउंट मैनेजर वही वर्क करेगा जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। आपको शायद पता नहीं होगा एक लिमिट होती है हर एक प्लेटफॉर्म की, अगर आपका डेली का सेल या फिर आपका मंथली सेल 5 लाख के ऊपर जा रहा है, 2 लाख के ऊपर जा रहा है, करोड़ में जा रहा है, तो आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस ऑफर किया जाता है। अगर आपके पास फ्री ऑफ अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस है तो ही जो है आपको ये
हेल्पफुल होगा, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए मैं आगे ना लगे आपको बोल रही हूँ, कोई भी अकाउंट मैनेजर अगर आप ये वीडियो देखने के बाद में बाय कर रहे हो तो उन लोगों के लिए ये कोई भी हेल्पफुल नहीं रहेगा। अगर ऑलरेडी आपके पास है तो आप उनसे कनेक्ट कीजिए, डेफिनेटली वो आपकी हेल्प कर देंगे। अदरवाइज जो है आपको ईमेल करना पड़ेगा, सेकंड प्रोसेस बतायू, ईमेल करने पड़ते हैं आपको कि हमें जो डायरेक्टली सेटलमेंट्स करना है प्लेटफॉर्म के साथ में, और जो भी हिडन चार्जेस है हमें वो रिमूव करने हैं। तो अगर आप ऐसा ईमेल कर रहे हो, आपके रजिस्टर ईमेल से वगैरह और सब आपका सेलर आईडी वगैरह मेंशन कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली सप्लायर सपोर्ट की एंड से जो है रिवर्ट बैक आता है, और बाकी का प्रोसेस आपको फॉर्म वगैरह देते हैं, वो फाइल करके जितना परसेंटेज आप दे सकते हो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वहां पे सेटलमेंट मिलता है। तो ये टाइप से आप कर सकते हो। अगर आपके एंड से नहीं हो रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज सॉरी व्हाट्सएप में मैसेज ड्रॉप करके रखिए विद फुल क्यूरी। जब भी टीम फ्री होगी आपको कनेक्ट करेगी, मैं अश्योरिटी नहीं देती हूँ मेरी तरफ से 101% वर्क होगा, बट अगर कोई टीम फ्री होती है तो मैं आपका ट्राई करूंगी सेटलमेंट करवाने के लिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कुछ भी क्वेश्चन है आपके तो कमेंट कीजिए। एंड प्लीज अगर आपको नहीं पता है कुछ इसके रिगार्डिंग, तो अगर आपने नहीं भी कुछ बोला तो भी चलेगा, बट आई नो 90% सेलर के मुझे मैसेज आ गए हैं कि मैम ये कुछ है जो चल रहा है इसके ऊपर सेलर को कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लग रहा है या फिर कोई भी चार्जेस नहीं लग रहा है। तो ये बिल्कुल भी ओपनली इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है, इतना इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं देगा। सो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।